और लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि भाई क्या अर्पित भाई आप एम टी हसल में जाओगे देखो अगर मैं एम टी हसल में चला गया सबसे पहली चीज़ मैं करूँगा आई वुड लाइक टू गिव बिग शार्ट आउट टू माई होल मिडल स्कूल क्लास सिक्स बी मैं अभी नाम नाम याद कर रहा हूँ सबके अभी मैं सिर्फ कार मैं भी रोल नंबर फिफ्टीन तक पहुँचाऊँ उसके बाद वाले रहते हैं एंड बट मुझे लगता है कि एम हसल मेरे लिए नहीं है मैं अगर एम हसल में जाऊंगा मैं जजिस को देख के बोलूंगा तुझे कुछ नहीं पता नॉट बिकॉज कि मतलब मेरे को उनको नीचा दिखाना है बट जस्ट बिकॉज अगर मेरे को अपना करियर एंड करना है मैं ऐसे करना चाहूंगा सबके सामने नेशनल अबे चल चल तुझे कुछ नहीं पता वो बोलेगा आपके इसमें डबल ऑन ट्रा नहीं थे बहुत ही बेसिक थे बोलता, हाँ। मैं एम अगर हसल पे अगर जाऊंगा तो मैं वैसे भी नहीं जाना चाहता हूँ एज अ जैसे सीधे मौत गया था ना जज बन के और मतलब ऐसी परफॉर्म नहीं अगर मैं एम टी वी हसल पर जाऊँगा तो आई एल मेक इट अ पॉइंट कि एम टी वी हसल वालों को पता हो कि हिप हॉप को कमर्शलाइज करना इज़ अ रॉन्ग मूव बिकॉज एंट्री बैरियर इतने हैं नहीं एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट वो एक हिप हॉप को बहुत ही कमर्शलाइज्ड ग्री मतलब वो जो नहीं होती वाइट वास्ड इमेज देना चाहते हैं जो मेरे से देखी नहीं जा रही जो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती वो हिप हॉप से गलीज पना हटाना चाहते हैं जो मेरे से देखा नहीं जाता मैं ये होने नहीं दूंगा दैट इज वाई आई वुड से चाहे जो जितनी गाली दी हो वॉन्टलेट ने मुझे मेरे को गॉन्टलेट इसीलिए अच्छा लगता है वन सॉन्ग एट अ टाइम प्रिजर्विंग द गलीज पना इन हिप हॉप